हेलो गाइस, आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ PSL का 23वां मैच लेकर। इसकी हम डिटेल, शेड्यूल, वेन्यू, A to Z इंफॉर्मेशन के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग आप कैसे देख सकते हैं इसके बारे में भी लाजमी बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। PSL का 23वां मैच जो कि कोटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान में है, इनका ये मैच 15 जून को खेला जाएगा जो कि 6 PM पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनके वेन्यूज़ की बात करते हैं तो ये भी मैच शेख जायद स्टेडियम पे खेला ही जाएगा जो कि अबू धाबी में है। अगर हम इनके हेड टू रिकॉर्ड की तरह चलते हैं कि आपस में इनके टोटल मैचेस कितने हुए हैं और इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इनके टोटल मैचेस 11 हुए हैं जिनमें से कोटा ने 5 मैचेस विन किए हैं और लाहौर ने 6 मैचेस विन किए हैं। अगर हम इनके एवरेज रन्स की बात करते हैं, कोटा के 151 हैं और लाहौर के 157 हैं। इनके मैक्सिमम रन्स, कोटा के मैक्सिमम रन 203 हैं और लाहौर कलंदर के मैक्सिमम रन 209 हैं। अगर इनके मिनिमम रन्स की बात करते हैं कि इन्होंने कम से कम कितने रन्स बनाए हैं, तो कोटा ग्लेडियन ने 98 मिनिमम रन्स बनाए हैं और लाहौर ने 100 मिनिमम रन्स बनाए हैं। और ये था इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, जिससे हमें अंदाज़ा हो चुका है कि कौन कितने पानी में है और प्रेडिक्शन करने में हमें आसानी रहेगी कि ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, बाकी तो एक लक की बात होती है। अब हम इनके स्क्वाड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कोटा ग्लेडिएटर्स के बेस्ट प्लेयर के स्क्वाड को देखेंगे। इनके बैट्समैन क्रिस गेल और सैम अयूब हैं और इनके ऑलराउंडर कैमरन डॉल्पर्ट, बेन कटिंग और मोहम्मद नवाज हैं और कोटा टीम के विकेट कीपर सरफराज अहमद, आजिम खान और टॉम बेंटन हैं। अब इनके बॉलर्स पर नज़र डालते हैं। मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, जायद महमूद, अनवर अली, उस्मान शनवारी, कैस अहमद, डेल स्टीन, अब्दुल नासिर और अरीश अली खान हैं। और ये थे इनके स्क्वाड। अब हम लाहौर के स्क्वाड की तरह चलते हैं कि इनमें ऐसे कौन से बल्लेबाज और बॉलर हैं जो कि अपनी टीम को एक जीत के किनारे तक लेकर जाती है। पहले इनके बैट्समैन देख लेते हैं। फखर जमान, मोहम्मद जैद आलम। अब हम इनके ऑलराउंडर देखते हैं। सुहेल अख्तर, मोहम्मद हफीज, जो डैनले, डेविड वाइज, टॉम एबेल, समित पटेल और आगा सलमान, ये सब लाहौर कलंदर टीम के ऑलराउंडर हैं। अब हम लाहौर कलंदर के विकेट कीपर देखेंगे। बेन डंक, ईशान अशरफ, मोहम्मद फैजान। चलें अब इनके बॉलर की तरफ नज़र डालते हैं। राशिद खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन और माज खान। और ये थी लाहौर कलंदर के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी बताऊंगा, तो एक वेबसाइट जो कि INDVSpark.com है, इस पर जाकर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। अगर आप टीवी चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लोगों के लिए PTV Sports, इंडिया के लोगों के लिए हॉटस्टार ऐप, Sony 6, बांग्लादेश के लोगों के लिए Gazi TV और USA के लोगों के लिए Vlio TV का इंतखाब बेस्ट रहेगा। अगर हम इनके प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर आगे रही है हेड टू हेड रिकॉर्ड के मुताबिक भी, और अगर हम इसके प्रीवियस मैचेस देखें तो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो ये मैच लाहौर कलंदर ही जीतेगी ऐसे हमें उम्मीद है। आपकी ये नज़र में ये मैच कौन सी टीम जीतेगी या इन दोनों में से आपकी टीम कौन सी फेवरेट है, हमें कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताएँ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें।